रुको, आज मैं पहले ढक्कन खोलूंगी। वाह, यह कोरियन नूडल्स है, यह मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी, मेरा फेवरेट। हाँ, पर मैं इस नूडल्स को खाऊं कैसे? अपने हाथों से? यह लो, यह चॉपस्टिक ले लो जो मेरे पास पड़ी हुई है। ओके। यह जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल हो रहा है, पर मैं हार नहीं मानूंगी। अगर मैं इस तरह से नहीं खा सकती तो मैं उन्हें अपनी उंगलियों में चारों ओर लपेट कर खाऊंगी, इससे यह आसान हो जाएगा। उफ, तुम क्या कर रही हो? यह हर जगह उड़ रहे हैं। अरे, ये चॉपस्टिक मेरे ऊपर क्यों मारी? चोट लग गई, पर गुस्सा मत करो, मैं बस इसे खाना चाहती हूँ, मुझे भूख लग रही है, शायद तुम्हें भी चाहिए। नहीं, धन्यवाद, मैं ठीक हूँ। फिर अपना खोल कर देखो तुम्हारे पास क्या है। ओ, अब ये कुछ स्वादिष्ट चीज है, जरा देखो कितना बड़ा केक है, ये मेरे से भी बड़ा है और शायद स्वादिष्ट। अगर ये इतना बड़ा है तो शायद तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। नहीं, मैं ये खुद खाऊंगी। अच्छा, तब मैं ये अपने से ले लूंगी। कहाँ? ये मेरा केक है। ये तुम्हारा था पर अब मेरा है, मैं इसे जल्दी से खाना चाहती हूँ अपने हाथों से। ये बहुत स्वादिष्ट है। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना केक खाने नहीं दूंगी, ये मुझे दे दो। किसी हाल में नहीं, मैं इसे खाना शुरू कर चुकी हूँ। ये मुझे दे दो, ये मेरा है, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। थोड़ा केक अपने मुंह पर ले लो, यह लो। अच्छा, तो ऐसा है, अब तुम भी अपने चेहरे पर लो यह केक। अब यह एक युद्ध छिड़ गई है, यह लो और यह और यह। यह केक मेरा है, यह लो। हमें उसे खाना चाहिए था। अभी भी देर नहीं हुई है, जल्दी खाओ, ये बुरा नहीं है, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सच में स्वादिष्ट है। क्या मैं पहले देख सकती हूँ? पता नहीं क्या होगा। क्या मुझे कैक्टस क्यों मिले हैं? बहुत कांटेदार है और बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं। अरे आह, मैं ये सब कैसे खा पाऊंगी अगर मेरी उंगली में कांटे चुभे हुए हो और ये सूजी हुई हो। आउच। हाँ, मुझे नहीं पता कि तुम ये कैसे करोगी, पर तुम्हें यह करना होगा। और मेरे पास क्या है? अरे वाह, जरा इस विशाल स्नीकर को देखो, ये बहुत बड़ा है और शायद बहुत स्वादिष्ट भी। मैं इसे अभी खाकर देखना चाहती हूँ। अरे रैपर इधर उधर मत फेंको, माफ करना, गलती से हो गया। मैं ये कैसे खाऊं? मुझे कुछ खास करना होगा, मुझे एक चेन शॉक की जरूरत है। येलो स्नीकर, ध्यान से, सारे टुकड़े उड़कर मेरे तरफ आ रहे हैं, चिल्लाओ मत। यहाँ बीच में देखो, कितना अच्छा है। ये स्नीकर बहुत स्वादिष्ट है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं इसे ढकी हुई हूँ। खैर जो भी हो, तुम बहुत बोरिंग हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पास कोई चॉकलेट नहीं है मेरे बड़े वाले की तरह, और इसलिए तुम्हें जलन हो रही है। हाँ, तुम एक जानवर की तरह खा रही हो, तुम कांटे का उपयोग कर सकती थी। सुनो, क्योंकि ये बहुत स्वादिष्ट है, मेरे पास एक आइडिया है, तुम्हें मेरे कैक्टस के कांटे कैसे लगेंगे? ओह, कैंची टूट गई, पर कोई बात नहीं, मैंने कांटों से छुटकारा पा लिया है, अब मुझे बस इसे वहाँ डालना है। मुझे पूरा यकीन है कि यह स्वादिष्ट होगा। कितना स्वादिष्ट। आह, दर्द हो रहा है, ये कांटे यहाँ कहाँ से आए? ये सब मेरे जेब में चुभ गए। ओह, लगता है शरारत नियंत्रण से बाहर हो गई है, पर परेशानी की कोई बात नहीं, डॉक्टर मेरी मदद कर सकती है, बस केवल सही उपकरण खोजने की जरूरत है, शायद यह, या शायद यह, या इसे कुछ मजबूत। चलो, मैं मजाक कर रही थी, मुझे बस सामान्य ट्वीज़र की जरूरत है। Come on! थोड़ा धैर्य रखो, बस कुछ और, ये पहले की तरह हो जाएगा और तुम्हारे जीभ में दर्द भी नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन फिर भी सारी गलती तुम्हारी है, अपना कैक्टस खाओ। मैं, धन्यवाद, पर मुझे नहीं खाना, मैं नहीं खाना चाहती, यह स्वादिष्ट नहीं होगा, मेरा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें खाना पड़ेगा। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। अरे नहीं,
इसे खाना असंभव है, ये भयानक है, पर मुझे पता है कि इसका क्या करना है। क्योंकि मैं इस तरह से नहीं खा पाऊंगी, इसलिए मुझे इसे स्वादिष्ट बनाना होगा। मुझे लगता है कि गुलाबी कैक्टस का कॉकटेल इतना बुरा भी नहीं होगा। मैं बातें क्यों कर रही हूँ, चख कर देखती हूँ। अरे नहीं, यह भयानक है, मैं इसे नहीं पी सकती। ढक्कन को छूना मत, इस बार पहले जाने की बारी मेरी है। अरे वाह, कितना बड़ा स्वादिष्ट बर्गर है, मैं ये पूरा खा सकती हूँ, पर इतनी जल्दी नहीं। मैरी, तुम अपना खोलो। अरे नहीं, ये कीड़े हैं, ये कितने घिनौने हैं, मैं इसे कैसे खा सकती हूँ? मुझे नहीं पता कि कीड़े को कैसे खाते हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैं इस बर्गर को कैसे खाऊंगी। ये कितना मुलायम है। मैरी, क्या तुम्हें ये चाहिए? हाँ क्यों नहीं, धन्यवाद। इसे सभी खाना चाहते हैं, पर यह मेरा है, मैं इसे तुम्हारे बिना भी खा सकती हूँ। मैं सही थी, यह बर्गर बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हारे कीड़े कैसे हैं? स्वादिष्ट? मैंने अभी तक नहीं चखा है, शायद मुझे उन्हें खाने की जरूरत नहीं है। ये इतने गंदे और घिनौने हैं कि मैं उसे हाथों से छू भी नहीं सकती। शांत हो जाओ, मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, चॉपस्टिक। हाँ धन्यवाद, पर इससे कीड़ों का स्वाद अच्छा नहीं हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। खाओ खाओ। ओह, कहीं मैं बीमार न पड़ जाऊं। ये भयानक लग रहा है, बेशक मैं कीड़े खा रही हूँ। मुझे लगता है कि ये बाहर भागने की कोशिश कर रहा है, मैं इसे रोक नहीं सकती। बाहर और मेरे बालों पर, ये दो अलग अलग चीजें हैं। छी, कितना गंदा। ओ बर्गर, तुम मेरे साथ शेयर नहीं करना चाहती थी ना, लेकिन मुझे अपने कीड़े शेयर करने में कोई समस्या नहीं होगी। मुझे लगता है ये तुम्हें पसंद आएगा। तुम बहुत गंदी हो, तुमने मेरे बाल खराब कर दिए। लेकिन मेरे पास अभी भी मेरा पूरा बर्गर है, अपने खाने के मजे लो। ओके। ओह, अजीब है, ये क्या है, क्या रेंग रहा है, ये कहाँ से आया? छी, कितना गंदा। यह तुम्हारा पुराना दोस्त कीड़ा है, स्वादिष्ट लगा? क्या मेरे पूरे बर्गर में ये भरा हुआ है? क्या नहीं, छी, मुझे उल्टी आ रही है, मैं बीमार हो जाऊंगी। हाँ शायद। इस बार क्या मिला होगा? ओह, गुलाबी न्यूट्रेला, बहुत बढ़िया, मैं इस बार किस्मत वाली निकली। मुझे लगता है कि मेरे लिए भी कुछ स्वादिष्ट इंतजार कर रहा है। अजीब है, ढक्कन के नीचे से ये कैसे आवाज आ रही है? ये मक्खी है, मैं इसे नहीं खा सकती, इसे हटाओ यहाँ से। तुम इसे खाओगी, तुम्हें खाना पड़ेगा, चलो जल्दी करो। मैं, पर क्यों, मैं ये खाना नहीं चाहती, कहीं ये मुझे काट ना ले। ये मुझे काट रही है, दर्द हो रहा है, भयानक। देखो तुमने क्या किया, मुझे पता है कि दर्द होता है, लेकिन अब यह मक्खी मेरे न्यूटेला पर है। दूर हटो, इधर आओ, शायद मैं कोशिश कर सकती हूँ। मुझे यकीन नहीं है। छी, नहीं, मैं नहीं कर सकती। तुम बस मेरे लिए समस्या पैदा कर रही हो, अब यह मेरे सिर पर है। चिंता मत करो, मैं इसे एक सेकंड में ठीक कर दूंगी, मैं इस मक्खी को मार दूंगी। क्या, नहीं मत मारो। उप्स, लगता है मैंने जोर से कर दिया। मैरी, तुम जिंदा हो ना, ठीक तो हो? मुझे जान से नहीं मारने के लिए धन्यवाद, तुम बहुत खराब हो, वह गलती से हो गया, माफ करना। कम से कम अब मक्खी नहीं है, अब कम से कम मैं अपना न्यूट्रेला खा सकती हूँ। वाह, ये न्यूट्रेला बिल्कुल भी बुरा नहीं है, मैंने कभी गुलाबी न्यूट्रेला नहीं खाया है, और ये सबसे स्वादिष्ट निकला। अब से मैं केवल इसे ही खाऊंगी, एक बूंद भी नहीं बचा। मैं तो इस जार को चाट भी सकती हूँ।
क्या तुमने अपना चेहरा देखा है? इस पर पूरा न्यूटेला लगा हुआ है। What? What? ओ, क्या तुमने देखा कि वहाँ क्या है? तुम्हारे सिर पर क्या है? नहीं, वहाँ क्या है? फिर से वो मक्खी। मुझे लगा मैंने उसे मार दिया है। लगता है नहीं, चिंता मत करो, मैं उसे संभाल लूंगी। एक बार इसे मारूंगी और काम तमाम। यह लो, अब तुम्हें पता चला कि कितना दर्द होता है। क्यों तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? सच में दर्द होता है, मेरा सिर घूम रहा है। हुरे, मैं जीत गई, इसलिए मैं पहले खोलूंगी। मुझे लॉलीपॉप मिला है, बहुत बढ़िया। तुम्हें क्या मिला है डायना? अभी देखती हूँ। ओ, मसल्स, मुझे ये नहीं पसंद है। चलो मैरी, अगर तुम इतनी किस्मत वाली हो तो तुम्हें अपना लॉलीपॉप खाना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं। अपने आसपास कचरा मत फैलाओ, ये अच्छा नहीं है। ओ, मैंने ध्यान नहीं दिया कि रैपर सीधे तुम पर जा रहा है। चलो गुस्सा मत करो, ये गलती से हो गया। देखो मेरे पास कितना स्वादिष्ट लॉलीपॉप है। बुरा नहीं है, पर वो डींग मार रही है। मैं इसका स्वाद जल्दी से खराब कर दूंगी। तुम्हें यह खट्टा लॉलीपॉप कैसा लगेगा? कितना स्वादिष्ट। इतना खट्टा क्यों है? छी, तुम्हें डींग नहीं मारना चाहिए था, तो तुमने मेरा लॉलीपॉप बर्बाद कर दिया। तो यह लो। Hey, you. छी, अब मैं तुम्हारी लार से ढक गई हूँ। चलो अब छोड़ो भी। Ouch. ओ, यह लॉलीपॉप सच में भारी है। मेरे पास ज्यादा ताकत नहीं है, मुझे मदद की जरूरत है। मुझे लगता है कि यह ड्रिल मेरी मदद करेगी। इस तरह से यह स्वादिष्ट भी होगा और तेज भी होगा। ओ वाह, अच्छा तरीका है। मैं जानती हूँ, लेकिन अब मेरी जीभ जल रही है। मेरी मदद करो जल्दी। हाँ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ये लो। बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारी मदद के बिना मैं जल जाती। अब तुम अपना खाना खाओ और इसके मजे लो। क्या, पर ये कितने खराब होते हैं। वे गंदे पानी में बैठते हैं और इसकी महक भी अच्छी नहीं है। आशा करती हूँ कि ज्यादा गंदे ना हो। छी, मुझे उल्टी आ रही है। ओ, ये उड़ गया। अपना कचरा ले लो और इसे खुद खाओ। ये असंभव है। ओह, ये किसी बुरे सपने की तरह है। मैं समझती हूँ, लेकिन तुम्हारे पास अभी भी पूरी प्लेट है और नियम के अनुसार तुम्हें इसे खाना होगा। मैं तुम्हारी हिम्मत बढ़ाऊंगी, तुम बहुत गंदी हो। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। ओह, ये खुल ही नहीं रहा है। चिंता मत करो, मेरे पास कुछ है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। हाँ, मैं तुम्हें हथौड़े से मारूंगी। मैं तो मजाक कर रही थी। देखो, मैंने इसे खोल लिया। अरे देखो, यहाँ एक असली मोती है। मैं अमीर हो गई। क्या मोती? ये मुझे दो, मुझे वो चाहिए। नहीं, ये मेरे लिए है, मत छुओ। मुझे लगता है कि मैंने इसे निगल लिया है। अब यह निश्चित रूप से मेरा है। हम कहाँ हैं? मुझे लगता है कि यह चुनौती है। मैं पहले अपना तिजोरी खोलूंगी। देखो, यह स्माइली है। वाह, इतने सारे पॉपिट। कितना बढ़िया। बढ़िया? हाँ, केवल कहने से नहीं होगा, यह उन्हें पॉप करने और थोड़ा शांत होने का समय है। अजीब है, यह इतने मुलायम क्यों है? और इसकी महक बहुत अच्छी है। बिल्कुल, यह गमी है। गमी, तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो। हाँ, और यहाँ बहुत सारे हैं। मैं इन सबको एक साथ तुरंत खा सकती हूँ। अपने आप को रोक पाना मुश्किल है। यह बहुत स्वादिष्ट है। यह स्वादिष्ट गमी पॉपिट है। मुझे लगता है वो रुक गई, शायद हमारे लिए, ताकि हम यह खा सके। तुम चोर, यह मेरे हैं। अरे दर्द हो रहा है। अब यह देखने का समय है कि मेरा क्या इंतजार कर रहा है। लगता है ये कुछ बहुत ही मुलायम चीज है। ये जिंदा कीड़े हैं।
मैं ये नहीं खा सकती, मैं नहीं करूंगी, वे रेंग रहे हैं। बस हो गया, चिंता मत करो, वे सब उड़ गए। Okay. उड़ गए, अब वो सब मेरे ऊपर हैं। बचाओ, वे मुझे खाना चाहते हैं। मुझे लगता है ये वैक्यूम क्लीनर मदद कर सकता है, ये सभी कीड़े को तेजी से अपने अंदर ले लेगा, यहाँ तक कि तुम्हारे चेहरे पर मूंछ बनाने वाले को भी। ये बहुत मजेदार लग रहा है, पर मैं इसे हटा दूंगी। अरे तुमने होंठों का क्या किया? सब ठीक है। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? तो फिर तुम इन सारे कीड़ों का स्वाद क्यों नहीं चखती हो? यह लो। ये सब मेरे ऊपर है, मैं क्या करूं? छी, कितना गंदा। ठीक है, चिल्लाओ मत, बेहतर होगा कि तुम अपनी तिजोरी में देखो वहाँ क्या है। ये किसी तरह की औषधि है जो मेरा इंतजार कर रही है। आशा करती हूँ कि कोई मेढक या कीड़ा ना बन जाऊं। अजीब है, मुझे कुछ भी अलग महसूस नहीं हो रहा है, ये पहले जैसा ही है। What? अजीब। ओह नहीं, मुझे कुछ हो रहा है। दोस्तों मदद करो, मुझे लगता है औषधि ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। अब मैं तुम्हारे हाथ के आकार की हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें उठाती हूँ, देखो कितनी प्यारी। अरे तुम। अरे तुम मुझे काटोगी? आह दर्द हो रहा है। खैर कोई बात नहीं है, मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। छोटी लड़की, तुम एक असली सांप से लड़ने वाली हो। तुम्हें लगता है कि मुझे डर लग रहा है? मैं इसे कुछ ही समय में संभाल लूंगी, पता नहीं कौन जीतेगा। मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे लगता है कि कीड़ा मजबूत है। कीड़ा, मैंने उसे हरा दिया। यह लो। और यह। वाह, वो सच में जीत गई। तुम्हें क्या लगा था? वो एक मस्त लड़ाई थी। इस बार मुझे स्वादिष्ट ट्रीट मिलेगा, इसलिए मैं अपना लॉकर पहले खोलूंगी। वाह, ये मेरा फेवरेट कॉकटेल है, मुझे ये पसंद है। मैं किस बात का इंतजार कर रही हूँ? ये पीने का समय है। अजीब है, यह आ क्यों नहीं रहा है? बेकार बोतल। तुम ये समझ क्यों नहीं पाई? सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि इसे कैसे पीना चाहिए। तुम? अच्छा ले लो, मैं मजाक कर रही थी। वक्का मैं तुम्हें कॉकटेल नहीं दूंगी, यह मेरा है, मैं इसे खुद ही पी सकती हूँ। तुम बहुत लालची हो, मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। तुम्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करना सीखना चाहिए। यह तुमने क्या किया? अब मैं पूरी भीग गई हूँ। मैं पूरी बोतल पी सकती थी, मुझे लगा कि हम दोस्त हैं। शिकायत बहुत हो गई, अब डायना को उसकी तिजोरी खोलने दो। क्या मछली? अरे नहीं, अच्छी बात है कि यह हमारी नहीं है, इसे वास्तव में बदबू आ रही है। पर तुम्हें अभी भी यह खाना है, यह नियम है। मुझे पता है, मैं खाने की कोशिश करती हूँ। यह भयानक है, नहीं ये मेरे वश की बात नहीं है, यह मैं नहीं खा सकती। तुम नहीं खाओगी? यह नियम है, तुम्हें खाना होगा, खाओ। ठीक है मैं करती हूँ, बस इसे बहुत जल्दी से करना होगा। कितना गंदा और इतनी बदबूदार भी। अरे यह कंकाल, इसे मुझसे दूर करो और हंसना बंद करो। चलो मेरी, अपना लॉकर खोलो। हाँ खुशी से। यह क्या है? एक्सक्यूज मी, किसी तरह का स्किटल्स, मुझे ये पसंद है, पर ये बहुत कम है। इसका स्वाद सामान्य वाले की तरह ही है। बहुत बढ़िया, मैं खुश हूँ। देखो अब कैंडी मेरे ऊपर उग रहे हैं। बहुत बढ़िया। हाँ क्या मैं खा सकती हूँ? कितना अच्छा। देखो मैं कैसे कैंडी में ढकी हुई हूँ।
डायना तुम्हें चाहिए? नहीं धन्यवाद, मैं तुम्हारे पिंपल्स खाना नहीं चाहती। और फिर से एक बार मैं अपनी तिजोरी पहले खोलूंगी, मुझे लगता है किसी को ऐतराज नहीं होगा। वाह ये एक उपहार है, आईफोन कभी ज्यादा नहीं होते। देखो ये कितनी सुंदर तस्वीरें हैं। मुझे भी चाहिए, मुझे भी फोटो लेने दो। अरे हटो, मेरे फोटोज को बर्बाद मत करो। इसे दो, ये मेरे हैं। मैं तस्वीरें लेना चाहती हूँ। लड़कियों लड़ना बंद करो, ये मुझे दो। हमें यह तय करना होगा कि ये किसका है, तब तक के लिए मैं इससे खेलती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? ये मुझे दो, ये मेरी है। ये क्या किया, वो मेरा नया फोन था। कहाँ? उप्स, लग रहा है कि वो अच्छी स्थिति में नहीं होगा। यह सब तुम्हारी गलती है। ये तुमने क्या किया? अब यह फोन नहीं बल्कि टूटा हुआ डब्बा है। जब तक तुम इसे निबट रही हो मैं अपना लॉकर खोलती हूँ। अजीब, ये खाली क्यों है? चलो देखते हैं यह क्या है। ओ नहीं, मेढक नहीं, मुझे डर लग रहा है। बचाओ, इसे मेरे सिर पर से हटाओ। मुझे भी जानवर की जरूरत नहीं है, चलो हटो यहाँ से। मेरे ऊपर क्यों? यह तुम्हारा मेंढक है और मुझे अभी भी इसे खाना है? बिल्कुल नहीं। अगर यह शापित राजकुमार होगा तो तब मैं एक असली राजकुमारी बन जाऊंगी, पता लगाना होगा। okay. तो राजकुमार, हंसो मत, मैंने पता लगाने की कोशिश की थी। खैर कुछ और पता करो और मैं देखूंगी कि मेरी तिजोरी में क्या है। ओह एक अजीब सी टोपी है। मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? मेढक, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारा मेढक पत्थर में बदल गया है। पत्थर? अजीब है, लेकिन ये भूरा क्यों है? वाह समझ गई, ये चॉकलेट है। और केवल चॉकलेट ही नहीं बल्कि स्वादिष्ट चॉकलेट है। सुनो, शायद तुम्हारी टोपी मेरे आईफोन के लिए कुछ कर सकती है। चलो पता करते हैं। ये काम कर गया, कितना बढ़िया, अब मेरे पास एक चॉकलेट आईफोन है, सच में स्वादिष्ट। मतलब ये टोपी सबके लिए अच्छी है। क्या मैं इसे पहन सकती हूँ? मुझे लगता है ये ठीक है। ओह अब हमारे पास चॉकलेट मैरी है, चलो उसकी सारी उंगलियां खाते हैं। नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। चलो उसकी टोपी उतारो, फिर वो वापस अपने रूप में आ जाएगी जैसे कि वो हमेशा से थी। हाँ चलो करो। धन्यवाद, तुमने मुझे बचा लिया, मुझे लगा मैं हमेशा के लिए चॉकलेट बन गई। इस बार कुछ अच्छा मेरा इंतजार कर रहा है, आशा है कुछ स्वादिष्ट होगा। ओ न्यूटेला, मुझे ये बहुत पसंद है, मैं पूरा जार खा लेना चाहती हूँ। माफ करना, ढक्कन अपने आप तुम्हारे तरफ चला गया। इसका मतलब यह नहीं कि तुम किसी और के सिर पर मार दो। ओ चलो गुस्सा मत करो, मैं न्यूटेला के लिए बहुत उत्साहित हूँ, मुझे यकीन है कि यह न्यूटेला बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं सही थी, यह कमाल का है, मैं भी इसे खाना चाहती हूँ। तुम्हें चाहिए पर तुम्हें मिलेगा नहीं, यह मेरा न्यूटेला है। अभी भी कुछ बूंद बाकी है, बहुत बढ़िया। तुम्हारी नाक पर भी थोड़ी सी है और मेरे हाथ पर भी। हाँ हम देख सकते हैं, यह तुम्हारे सब तरफ लगा हुआ है। अब मुझे और गहराई में जाना है। अरे नहीं मेरा हाथ अटक गया है। What? मोटी तुम्हें कम खाना चाहिए। हंसो मत, मेरी मदद करो। चलो इस जार को खींचो। मैं कोशिश कर रही हूँ, चलो हम कर सकते हैं, चलो खींचो खींचो। ओ वाह अब मेरे पास बहुत सारा न्यूटेला है, चलो जल्दी से खाते हैं। मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो, मैं जिंदा हूँ। What?
क्या तुमने सब खा लिया? तुम्हें ये कैसा लगा? ओह, और चॉकलेट, मैं इसे सीधे अपने हाथों से खा सकती हूँ। जब तक तुम खा रही हो, मैं देखूंगी कि मेरे पास क्या है। कुछ बदबूदार? ओ नहीं, चीज नहीं, प्लीज। दुर्भाग्य से तुम्हें यही मिला है। मुझे ये नहीं खाना, मुझ पर दया करो, ये बहुत खराब है। बातें कम, काम ज्यादा, चलो खाओ। ओह, कितना खराब। हाँ, ये बहुत खराब दिख रहा है। ये ऐसा ही है, मैं नहीं खा सकती, ये बेकार है। हालांकि ये हो गया। ओके। वाह, हाँ बढ़िया है। अब हम देखते हैं कि मेरा इंतजार क्या कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब यह हमारे जाने का समय है। नया दौर, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं कि इस बार हमें क्या मिला है। फिर से धीमी गति। खैर कोई बात नहीं, मुझे आदत हो गई। सामान्य मध्यम गति, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मैं अपनी तेज गति से खुश हूँ। दोस्तों देखो, यह पिज्जा है। वाह, इसमें कितने सारे चीज है। बहुत बढ़िया, इसे देखकर मेरी भूख बढ़ गई है। मैं भी बहुत खुश हूँ। अब बातचीत बंद करो और चलो खाना शुरू करते हैं। हमेशा की तरह मैं पहले हूँ। जल्दी करो मैरी। मैं इस टुकड़े से शुरुआत करती हूँ। यह दूसरे की तुलना में ज्यादा अच्छा लग रहा है। ओह, यह चीज कितनी अच्छी तरह से स्ट्रेच कर रहा है। चेल्सी, मैं हमेशा के लिए इंतजार नहीं कर सकता। मेरे विचार से यह टुकड़ा बहुत छोटा है, दो सही रहेगा। इसे कहते हैं भूख। पिज्जा इतना स्वादिष्ट होता ही है। मुझे लगता है कि समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, सभी टुकड़ों को एक दूसरे के ऊपर रखकर खा लेना चाहिए। ये एक पिज्जा सैंडविच की तरह हो गया। बहुत बढ़िया। वाह जैक, इसे कहते हैं स्पीड। मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखना होगा। शाबाश, मैं और भी तेजी से खा सकता था, लेकिन मैं थोड़ा मजे लेकर खाना चाहता था। मैं इसे कैसे खाऊं? मेरे पास आइडिया है, मैं इसे रोल कर देती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया आइडिया। अब मैं इसे कुछ ही सेकंड में खत्म कर दूंगी। ओह, लगता है कुछ गड़बड़ हो रहा है, पीछे मेरे मुंह में अटक गया है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। धन्यवाद, मैं काट नहीं सकी थी, तुमने मुझे बचा लिया। अब खुशी का पल आने वाला है। पिज्जा लगभग मेरे मुंह में है। वो कहाँ है? ओह, लगता है वो गिर गई। अब उसे बचाया नहीं जा सकता। अब मेरे पास सिर्फ ये रोटी का टुकड़ा है। हालांकि ये कुछ नहीं होने से तो बेहतर है। बस हो गया, मैंने कर लिया। तुम्हारी किस्मत आज तुम्हारे साथ नहीं है। यह क्या है? कैक्टस? यह कांटेदार है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसे कैसे खाया जाए। मुझे डर लग रहा है, मैं अपनी जीभ को घायल नहीं करना चाहता। ये बहुत खराब लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि इसका स्वाद अच्छा होगा, लेकिन मैं जोखिम उठाते हुए इसे शुरू करने के लिए तैयार हूँ। हमें कोई आपत्ति नहीं है, तुम्हें शुभकामनाएं चेल्सी। सबसे पहले यह जांचना होगा कि यह कितना कांटेदार है। मुझे थोड़ा समय दो, मैं इसका पता लगा लूंगी। मुझे डर है कि लंबा इंतजार करना होगा। मैरी, तुम शुरू करो। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ। ओके। मेरी जीभ, कितना दर्द हुआ। चेल्सी, इसे देखो, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। अब मैं ये कैक्टस को लेकर रहूंगी, यह खतरनाक है। तुम सही कह रहे हो जैक, लेकिन इसके लिए यह खुद जिम्मेदार है। यह बेहतर है, तुमसे यह उम्मीद नहीं थी मेरी। मुझे डर लग रहा है, इसे मुझसे दूर रखो। तुम बहुत घबराते हो जैक। वाह, तुमने अच्छे से बदला लिया। दोस्तों, यहाँ बहुत शोर हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है। अपना ध्यान मत हटाओ चेल्सी, नहीं तो तुम कभी खत्म नहीं कर पाओगी। अब हमारा आमना सामना होगा। कितना कड़वा है। छी, मैं इसके स्वाद की कल्पना करने से भी डर रहा हूँ। तुम इसका स्वाद जल्दी महसूस करोगे। तुम शुरू कर सकते हो जैक। चेल्सी को पहले खत्म करने दो। चलो चेल्सी, जल्दी करो, अपनी स्पीड बढ़ाओ। लगता है कोई रास्ता नहीं है। ओह, मेरी उंगली, कितना दर्द हुआ। ओह, लगता है ये सारे कांटे मैं हटा सकता हूँ। मैं फिर से कोशिश करता हूँ। ओह, काम हो गया, बहुत बढ़िया। अब यह कैक्टस पूरी तरह से साफ हो गया है, अब मैं इसे चख सकता हूँ। मैरी, तुम सही कह रही थी, यह बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। छी, मैं ये सब थूकना चाहता हूँ और अपनी जीभ साफ करना चाहता हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना। मैं कैक्टस के काफी करीब हूँ,
अब हम मिलने वाले हैं। अरे नहीं, कितना दर्द हो रहा है, ये मेरी उंगली में चुभ गई है। उसे समझने में बहुत समय लगता है। मेरे पास एक आइडिया है, मैं एक कैंची से सारे कांटे को हटा दूंगी। मुझे बस अच्छे से कोशिश करनी होगी। और यह हो रहा है। हमें फिर से लंबा इंतजार करना होगा। मुझे लगता है ट्वीज़र बढ़िया रहेगा। चलो चेल्सी की मदद करते हैं। और मेरा कहना है कि रेजर से करते हैं। कांटों को हटाने का यह सबसे तेज तरीका है। हो गया, धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है चेल्सी। अब बस एक कांटा बचा है। बस हो गया, अब इसे खा सकते हैं। Come on! चलो चेल्सी, हमें तुम पर पूरा विश्वास है। ऐसा तुमने क्यों किया जैक? हम तुम्हारी मदद करना चाह रहे थे। हमारी चुनौती अब समाप्त हो गई है। आप आमतौर पर किस गति से खाते हैं? हमें कमेंट्स में बताएं, हम उसे निश्चित रूप से पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय दोस्तों।